जय श्री राम दोस्तों, आज 26 अगस्त सोमवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी जो एक्सरसाइज है आपके साथ करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, गुलिया जी अपने साथियों की सेवा पानी में लगे हुए, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्मदिन। भगवान श्री कृष्ण आज ही अवतरित हुए थे। देखिए तीनों उपस्थित हैं आज हमारे साथी, लालू मोटू सुदामा जी। ये बेटा, अरे नहीं झगड़ना नहीं भाई, उसको देखो सर, सुदामा जी को देखो। सुदामा जी वैसे थोड़े दूर दूर रहते हैं। लालू घुसपैठ करेगा सब में। कई बार अपना छोड़ के भरा हुआ है अपना, फिर भी इसकी नींद खराब है। सुदामा को और डाल दो सर। पीले बेटा पीले। ये मित्रों, ये हमारा कार्डियो जंपिंग जैक्स, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और देखिए आज है कृष्ण जन्माष्टमी, और भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने सामने वाले को देखा कि वो किस योग्य है, उसकी पात्रता क्या है। आप शुरू में देखेंगे कि वो जन्म लेते हैं देवी देवकी की कोख से, और माँ का प्यार पाते हैं यशोदा देवी से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाले की योग्यता को चुनना ईश्वर के अलावा आपको भी आ जाता है, तो आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व में शामिल हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, हाई नीज दूसरी एक्सरसाइज है हमारी। और देखिए हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, तो देखिए उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम के लिए राधा को चुना, और जो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला प्रेम है उसके लिए अन्य रानियों को चुना। तो हर किसी की योग्यता कितनी है उसके आधार पर उन्होंने सामने वाले को सम्मान दिया। ये तीसरी एक्सरसाइज है क्लैप अंडर लेग्स, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के आपको 3 सेट लेने हैं। बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। देखिए उन्होंने दोस्ती के लिए सुदामा जी को चुना, और दुश्मनी के लिए उस समय के सबसे प्रतापी और बलवान राजा कंस को चुना। वो स्वयं भी कहते हैं कि आपको शत्रुता अपने से बड़े से रखो, ताकि हारो तो भी शर्म का आभास ना हो, और जो मित्रता है वो कमज़ोर से रखो, ताकि जितनी हमारी हैसियत है उसकी समय समय पर सहायता हम करते रहें। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, हमारा कार्डियो सेशन चल रहा है, और देखिए भगवान श्री कृष्ण 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षा ग्रहण करने गुरु संदीपनी के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ भी देखिए जो उनकी 4 साल की शिक्षा रहती है उसमें पूर्ण समर्पण भाव से संपूर्ण संसार को छोड़कर केवल अपना पूरा ध्यान शिक्षा में लगाते हैं, और उन सारी चीज़ों को अपने गुरु से सीखते हैं जो सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। वो संदेश देते हैं कि एक विद्यार्थी, जब विद्यार्थी विद्यार्थी जीवन में रहता है तो उसे संसार से बिल्कुल विमुक्त हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है, और ये है हमारा मसल ट्रेनिंग। मसल ट्रेनिंग की पहली एक्सरसाइज सपाटे, और देखिए हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, एक सामने वाले की योग्यता को ध्यान में रखे ही उन्होंने सारे कदम उठाए। और देखिए शिष्य के रूप में एक ही व्यक्ति को उन्होंने चुना, अभिमन्यु। हालांकि पांडवों के और भी पुत्र थे, लेकिन अपने शिष्य के रूप में केवल अभिमन्यु को चुना, क्योंकि उन्हें उसकी पात्रता का ज्ञान था। और जब युद्ध के लिए अभिमन्यु जाता है तो वो विजयी भव का आशीर्वाद नहीं देते हैं, कीर्तिमान भव का आशीर्वाद देते हैं, जिस पर द्रौपदी प्रश्न भी उठाती है कि विजयी भव का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं विजय और पराजय बहुत छोटी घटना है, लेकिन कीर्ति हर किसी के भाग्य में नहीं होती। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये हमारी मसल ट्रेनिंग है देसी दंड, और देखिए हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की कि सामने वाले की पात्रता को कितना सम्मान उन्होंने दिया है। शांति दूत बनकर जब वो आते हैं तो वो भोजन के लिए
राजशाही ठाटवाट को नहीं चुनते हैं, दुर्योधन के महल को नहीं चुनते हैं, बल्कि जो मंत्री विदुर हैं, जहाँ प्यार बसता है, जहाँ नैतिकता बसती है, जहाँ नीतियाँ निवास करती हैं, उसे चुनते हैं वो भोजन के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में किसको भागीदार बनाना है। सामने वाले की योग्यताओं की जांच यदि हमने सीख ली तो एक अच्छे व्यक्तियों में हमारी गिनती होने लगेगी। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये एडिप्स 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं और हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की। देखिए कितने ही राक्षसों का वध किया उन्होंने, वहाँ भी उन्होंने सामने वाले की पात्रता का ध्यान रखा। जब वो पूतना का वध करते हैं तो उसे माँ का दर्जा देते हैं, उसका दूध पीकर यानी उसकी मौत को भी इतना सम्मानित कर देते हैं कि उसे गर्व महसूस होता है। तो यही योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला किसका पात्र है। हमारा कार्डियो सेशन चल रहा है प्रिय मित्रों, और देखिए जैसा कि आपको पता है आज है कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद राजनीति में प्रवेश करते हैं, और राजनीति का सबसे पहला जो पाठ है वो यही सिखाते हैं कि राजा का आध्यात्मिक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजा यदि आध्यात्मिक हो जाता है तो जिसके अधीन लाखों करोड़ों की प्रजा है उसका सुखी होना कोई फिर दूर की बात नहीं रह जाएगी। सारी नीतियाँ, सारे कार्यक्रम आध्यात्मिक रास्ते से जब निकलेंगे तो प्रजा सुखी रहेगी, शांतिपूर्ण रहेगी। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति 100-100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। और देखिए आज जन्माष्टमी है और हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, और इसमें आज का जो मुद्दा हमने लिया है वो है सामने वाले की पात्रता। देखिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही सहायता मांगने जाते हैं तो उन्हें पता है कि किसको क्या देना है, और उन्हें सामने वाले की मनसा भी पता है कि किसको क्या चाहिए। इसलिए अपने आप को वो अर्जुन को समर्पित करते हैं और अपनी पूरी सेना को दुर्योधन को समर्पित करते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही इन चीज़ों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये ईश्वरीय गुण है, जब हम सामने वाले की पात्रता को समझ लेते हैं, जांच लेते हैं। ये अनुलोम विलोम, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और देखिए बात कर रहे थे हम भगवान श्री कृष्ण की, महाभारत युद्ध होने से पहले वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन के सारथी के रूप में मेरी भूमिका रहेगी। लेकिन आप देखते हैं कि वो शस्त्र उठाते हैं पितामह भीष्म पर और एक संदेश देते हैं कि प्रतिज्ञाएं मानव मूल्यों से बड़ी नहीं होती हैं, मानव मूल्यों के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाएं तोड़ी जा सकती हैं। और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि महाभारत शायद उसमें एक कारण ये भी है कि पितामह भीष्म कई घटनाओं के दौरान अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण चुप रहे। तो प्रतिज्ञाएं कभी भी मानव मूल्यों से बड़ी नहीं होती हैं, मानव मूल्यों के लिए कितनी ही प्रतिज्ञाओं को भेंट चढ़ाया जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये है भ्रामरी, और देखिए जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के राज्य में जाते हैं तो उस समय सबसे अधिक विरोध द्रौपदी करती है, और वो आगे कहती है कि आप शांति दूत बनकर जा रहे हैं, यदि युद्ध नहीं हुआ तो मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा क्रोधित होकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि क्या आप ये चाहती हो कि आने वाला इतिहास इस भयंकर युद्ध की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दे, आपके खुले केसों पर डाल दे? क्या इसमें अनगिनत जो सब गिरेंगे आपके कंधे उन्हें उठाने के लिए इतने मजबूत हैं? इस युद्ध की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होनी चाहिए जो वास्तव में इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। जो युद्ध होना है धर्म के लिए वह असंभव भी जरूर होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी उसी के सर होनी चाहिए जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बार बार अपने खुले केसों को इस युद्ध के बीच में मत लाइए, क्योंकि खुले केस होना बहुत छोटी घटना है और महाभारत जैसा युद्ध होना बहुत बड़ी घटना है। प्रिय मित्रों, यह है ओम का जाप, और पीछे हमारे आदरणीय वर्मा जी खड़े हुए हैं। और देखिए हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की और पात्रता की। देखिए गीता के लिए 5 पांडवों में से उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? सोचने वाली बात है, युधिष्ठिर को चुनना चाहिए था जो धर्म के प्रतीक थे। लेकिन जो प्रश्न अर्जुन उठा सकता था युधिष्ठिर कभी नहीं उठा सकते थे। और देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा हाथ अर्जुन का है। आज जो हमें गीता जैसा पवित्र ग्रंथ मिला है उसके लिए हमें अर्जुन को नमन करना चाहिए,
क्योंकि अर्जुन ने जो गहरे गहरे प्रश्न उठाए भगवान को विवश कर दिया गीता जैसे ग्रंथ को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बढ़िया सर। पूरी योगा टीम जय सियाराम। मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज है 26 अगस्त 2024। देखिए, आज हम बात कर रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की। और देखिए, आज के युग में हम देखें तो हर पूजा पाठ हर पद्धति का बाजारीकरण हो चुका है, भक्ति का बाजारीकरण हो चुका है। और देखिए, बाजार और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बाजार मुनाफे पर आधारित होता है और भक्ति जो है मुक्ति पर आधारित होती है। तो आज हम बात करते हैं, भगवान ने जो प्रेम की दो परिभाषाएं बताई हैं, देखिए एक प्रेम होता है जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, आध्यात्मिक प्रेम। एक प्रेम होता है सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला प्रेम। राधा से जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था वो आध्यात्मिक प्रेम था। आध्यात्मिक प्रेम को कोई परवाह नहीं होती कि जिससे वो प्रेम कर रहे हैं उसके साथ और कौन है, वो किसके साथ जाता है, किसके साथ समय बिताता है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे केवल अपने आप से मतलब है। यही आध्यात्मिक प्रेम है, यही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला प्रेम है, इस प्रक्रिया में जो भी आपसे प्रेम करेगा या किसी से भी प्रेम करेगा, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी और की दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, आध्यात्मिक प्रेम का आगे और एक संदेश देते हैं, वो मीरा के रूप में। क्योंकि मीरा जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं तो एक ये संदेश देते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम के लिए भौतिक रूप से किसी भी व्यक्ति का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सृष्टि वाला जो प्रेम है उसके लिए भौतिक रूप से अनिवार्य है, उपस्थित होना अनिवार्य है। तो दूसरी घटना मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि देखिए, जब युद्ध हो रहा था तो जो बर्बरीक है वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए आया, और भगवान श्री कृष्ण इस बात से बड़े चिंतित थे कि बर्बरीक युद्ध को समाप्त ही नहीं होने देगा। कारण ये था कि उनका केवल एक ही सिद्धांत था कि जो भी हार रहा होगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब पूरे दिन में महाभारत के युद्ध के परले ऊपर नीचे होते रहते थे, कभी पांडव हारते थे, कभी कौरव हारते थे। अब यदि बर्बरीक युद्ध में भाग ले लेते तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब पांडव हारते तो पांडवों की तरफ हो जाते, जैसे ही कौरव हारते वो कौरवों की तरफ चले जाते। तो ये जो धर्म युद्ध हो रहा था, ये जो मानव मूल्यों को बचाने के लिए युद्ध हो रहा था, ये कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए ये आवश्यक था कि उनका बलिदान लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए बर्बरीक की गर्दन की मांग की। उन्होंने क्योंकि बलिदान दिया तो अपने बराबर में रखा उन्हें। लेकिन जब भीम नाराज होते हैं कि भाई मेरे पौत्र का आपने ये हस्त्र किया, उसे भाग लेने देना चाहिए था, तब उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि देखिए, बुद्धि और विवेक में बड़ा अंतर होता है। बुद्धि चाकू की तरह होती है और विवेक हाथ की तरह होता है। यहाँ अति आवश्यक है कि बर्बरीक का बलिदान होना आवश्यक था, क्योंकि वो निर्णय मानव मूल्यों के पक्ष में नहीं ले रहे थे, अपने व्यक्तित्व के पक्ष में ले रहे थे कि मेरा सिद्धांत ही यही है कि जो हारेगा उसकी सहायता करूंगा। और जरूरी नहीं है हारने वाला हमेशा निर्दोष हो, तो उसका बलिदान अति आवश्यक था। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।